बहादुर नगर ये मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद में कृष्ण कॉलोनी की तरफ जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो कृष्ण कॉलोनी वो जगह है जहाँ 2003 से पहले मैं रहता था, और वहीं से मैंने ज्वाइनिंग किया था अपना केंद्र विद्यालय में आज TGT। तो मैं इधर आया तो मैं सोचा कि एक बार मैं क्यों ना अपने उस पुरानी कॉलोनी में चलूं जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो आज बहुत कुछ बदल गया है और मुझे बिल्कुल ये एरिया पहचान में नहीं आ रहा कि वो वही एरिया है जहाँ पर मैं पहले कभी रहता था। ये सारी दुकानें पहले नहीं हुआ करती थी, अभी सब सारी दुकानें नहीं आ गई हैं। और ये फुटपाथ पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी जिसको हम लोग मामू की चाय की दुकान कहते थे। और उस चाय की दुकान पर हम लोग आते थे शाम के समय में चाय पीते थे। और ये वो काफ़ी कुछ बदल गया है, बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा है कि वही एरिया है जहाँ मैं पहले कभी रहता था। तो आज चलते हैं, देखते हैं। किसी ने मुझे बताया कि इधर ही है, आगे दिल्ली विश्वविद्यालय का ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। देखते हैं मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है बोर्ड, त्रिपाल बाग आश्रम कॉलोनी। ये क्रिश्चियन कॉलोनी आ गया नहीं, मैं उनको नहीं पता है क्रिश्चियन कॉलोनी, नए लोग हैं उनको शायद नहीं पता होगा। लेकिन मुझे भी लग रहा है कुछ गलत में से हाथ नहीं रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे लगता है कि कुछ गलत है। फिर मैं पूछता हूँ, एक दो लोगों से और पूछता हूँ। ये क्रिश्चियन कॉलोनी किधर है? क्रिश्चियन कॉलोनी आगे आगे जाओ, रेड लाइट से इधर हो जाना। ठीक, नाला पार करके, अच्छा राइट हैंड साइड में आइए। ठीक, तो नाला पार करके राइट साइड, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी आगे होगा ये, फिर भी एक बार मैं जाने की इच्छा रखता हूँ। इसको देखा तो मुझे याद आ गया हडसन लाइन, ये हुआ करता था पहले। अब यहाँ से मैं वापस कृष्ण कॉलोनी के बढ़ा, ये गुरु तेग बहादुर नगर है। यहाँ से मैं अभी चौराहा आ गया है, चौराहा पर मैं पूछता हूँ यहाँ भी एक बार, पूछता हूँ कृष्ण कॉलोनी किधर है, आगे इन लोगों से पूछता हूँ। चौराहा तो मुझे याद आ रहा है कि लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग। अब ये चौराहा, इधर चौराहे पर मैं आया हूँ और इधर से बता रहे हैं आगे ये सीधे जाना उत्तम का है। ये सब दुकानें पहले कभी हुआ नहीं करती थी, अब सब सारी दुकानें नहीं आ गई हैं। तो पूरा हम लोग समय में किंग से कैब में एक सम्मी की दुकान हुआ करती थी, तो इस समय हम लोग हडसन लाइन में हैं। NDPL ऑफिस का ही बस स्टॉप है, उसको जस्ट हमने क्रॉस किया, पीछे बस स्टॉप था। काफ़ी रास्ता चलना पड़ेगा मुझे, जब इतना आ गया हूँ मैं तो मुझे लगता है कि चल चलूँ देख लूँ। पटेल चेस्ट दिखाई दे रहा मुझे, गुड़मंडी गुड़मंडी है। अच्छा, अब ये पटेल चेस्ट आगे बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो हम पटेल चेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, मुझे अभी भी एक आइडिया नहीं, बढ़ा जा रहा हूँ देखूँ। ये सब लाइन मुझे याद आ रही है ना, ये सब मुझे याद आ रहा है। पटेल चेस्ट दिखा रहा है आगे, ये पटेल चेस्ट, यहाँ के विधायक जो है दिलीप पांडे जी हैं, चीफ दिल्ली विधानसभा तिमारपुर हैं विधायक। फिर वापस इसी लाइन पर, ये हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर है,
बहुत छोटा हुआ करता था, पहले से बहुत बड़ा हो गया है जो सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं इस जब भी कभी ट्यूशन पढ़ाने जाता था इधर से होकर जाता था, और एग्ज़ाम उग्जाम देने के बाद मैं अपने लिए कभी मैं वरदान नहीं मांगता था कि भगवान जी मेरा कहीं कुछ हो जाए और इसके बाद मैं आपको मिठाई चढ़ूंगा। मुझे लगता था कि मैं बारगेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं कभी वरदान नहीं मांगता था। हनुमान जी की बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर। तो ये वही मंदिर है, मैं थोड़ा रिकॉल करने का प्रयास कर रहा हूँ, इधर है वो। तो अब ये बताएं, ये नाला है और नाला को क्रॉस करने के बाद वो क्रिश्चियन कॉलोनी आती है। तो मैं यहाँ पर अब क्रिश्चियन कॉलोनी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये नाला है। अब मैं यहाँ से देखिए किस तरह की स्थिति है और इसमें स्टूडेंट कैसे रहते हैं वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। यस आई गॉट इट। हाँ तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे याद आ गया। अब यहाँ से मैं ये सारा कुछ आगे चाय की बड़ी फेमस दुकान हुआ करती थी, मामू की दुकान। अब मैं रोड क्रॉस करूँगा यहाँ से, और रोड क्रॉस करने के बाद क्रिश्चियन कॉलोनी आ जाएगी। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ इसलिए इसको बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संकल्प हॉस्टल भी होता था। अभी ये विजय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बोर्ड दिखाई दिया तो मुझे याद आ गया, तो इसके अंदर मैं जा रहा हूँ। और आगे कुमार बुक डिपो हुआ करता था, तो मैं इस कॉलोनी में एंटर कर रहा हूँ। और वहाँ यह है, हाँ ये बहुत सकरा हो गया है, उस समय शायद इतना नहीं लगता था कितना सकरा है। ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा, पहले इतना कंजेस्टेड नहीं होता था ये। और ये बहुत सारी नई दुकानें खुल गई, उस समय सब दुकानें नहीं होती थी। ये हॉस्टल तो है अभी भी, ये बहुत पुराना संकल्प का ये हॉस्टल है। इतना बदलाव हो गया होगा मुझे इसमें नहीं आ रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ बदल चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। राजू का प्रॉपर्टी डीलर का काम हुआ करता था यहाँ पर, वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना चेंज हो सकता है मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ चेंज। ये चर्च तो पहले भी था, आज भी चर्च, यहाँ से आते हम लोग बाएं, ये चर्च पहले था और चर्च से हम लोग बाएं जाते थे। यहाँ पर खिलौने की दुकान हुआ करती थी, ये सब सारी चीज़ें बदल गई हैं। केवल यहाँ से हम लोग चर्च भी आगे आ गया, यहाँ पर हम लोग देखता हूँ। B25 एक बिल्डिंग हुआ करती थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। माय गॉड सब कुछ बदल गया है, वो बिल्डिंग ही नहीं रही है। भैया ये मतलब लगता मंदिर हो गया, ये मंदिर बन गया। पंडित जी ये B25 नंबर कौन सा है? ये शायद बता भी नहीं पाएंगे कि ये B25, ये बिल्कुल ये नया बन गया है, पहले ये नहीं था। और मैं उस कमरे में जाना चाहूँगा, देखते हैं। मैं रिकॉग्नाइज इससे किया हूँ कि ये सामने एक मुस्लिम फैमिली रहती थी और उसी के पास हमारा ये फ्लैट हुआ करता था। देखते हैं ऊपर जाके, बच्चे रहते हैं अभी इसमें? क्या मतलब फैमिली आ गई है क्या सर? मतलब स्टूडेंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं? केवल स्टूडेंट है कि फैमिली है? स्टूडेंट और फैमिली साथ हैं। अच्छा, पहले तो केवल स्टूडेंट रहते थे यहाँ पर? तो वही बताया फैमिली भी है। अच्छा अच्छा भी स्टूडेंट भी। अच्छा बहुत कंजेस्टेड हो गया, पहले ऐसा तो नहीं होता था ये। बिल्कुल मैं अंदर आ गया हूँ, जो रहा हूँ लोग सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं। हाँ कुछ कुछ फील आ रहा है। मेरा फर्स्ट बिल्कुल नया बन गया है, ये बिल्डिंग बिल्कुल नहीं आ गए। और ये हाँ ये कमरा था, ये
बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। ये कॉमन वॉशरूम होता था। तो ये है सेम रूम वेयर आई यूज टू स्टे एंड यू कैन जस्ट सी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। ये देखिए छोटा सा रूम एग्जैक्टली एंड दिस पर्सन आई स्टिल इज लिविंग इन दिस रूम।